स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। और इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक चल रहा है सेंट्रॉयड। प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो एक एल सेक्शन की प्रॉब्लम थी। आज जो क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं ये टी सेक्शन की प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया है, फाइंड सेंट्रॉयड ऑफ टी सेक्शन एज शोन इन फिगर। तो इस फिगर में हमें कोऑर्डिनेट यानी रेफरेंस एक्सिस पहले से दिया हुआ है। ये हमारा रेफरेंस एक्स एक्सिस है और ये रेफरेंस वाई एक्सिस है। हमें इस फिगर का सेंट्रॉयड फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा टी सेक्शन होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल हमारा ऊपर है और दूसरा रेक्टेंगल नीचे है। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सेंट्रॉयड फाइंड करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल है इसका सेंट्रॉयड यहाँ पे कहीं होगा, बी बाई टू कॉमा एच बाई टू होता है तो यहाँ कहीं आएगा फर्स्ट फिगर का सेंट्रॉयड। और जो सेकेंड फिगर है, हम इंडिविजुअल फिगर को स्मॉल जी से, इसको फर्स्ट मान लिए तो जी वन और इसको मान लिए जी टू, इसको मान लेते हैं जी टू। इस तरह से जो सेकंड रेक्टेंगल है जिसका डायमेंशन 100 by 10 है और ऊपर वाले का 150 by 10 है, दोनों का क्या किया, इंडिविजुअल सेंट्रॉयड देख लिया कि बी बाई टू कॉमा एच बाई टू कहाँ पे आएगा। इसको करने के बाद अब हमें क्या करना है, इनका सेंट्रॉयड फाइंड करना है कंपोजिट फिगर का। तो इसके फाइंड करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं सीरियल नंबर, सीरियल नंबर देन सेप, सेप इसके बाद सेंट्रॉयडल डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉयडल, सी फॉर सेंट्रॉयडल डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड सेंट्रॉयडल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस देन एरिया ए। इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं और इसी में पूरा डेटा लिखते हैं इंडिविजुअल शेप्स का। तो जो हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल आता है, फर्स्ट रेक्टेंगल अगर देखेंगे सीरियल नंबर वन, ये रेक्टेंगल है हमारा जिसका शेप कुछ इस टाइप से है, इसका शेप इस टाइप से है। तो जो फर्स्ट रेक्टेंगल की सेंट्रॉयडल डिस्टेंस होगी फ्रॉम वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स वन, इसको क्या बोलेंगे, एक्स वन बोलेंगे। और सेंट्रॉयडल डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई वन। तो ये एक्स वन वाई वन कितना होगा ये हम फाइंड करते हैं। तो हमारा वाई एक्सिस जो है यानी रेफरेंस वाई एक्सिस, ये इस रेक्टेंगल के बिल्कुल पास में है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये रेक्टेंगल जो हमारा फर्स्ट है ये वाई एक्सिस के साथ है, लेकिन जो एक्स एक्सिस है वो इससे दूर है और इसका सेंट्रॉयड यहाँ पे कहीं होता है। और हमने इसको दिखाया कि y एक्सिस से ये डिस्टेंस हमारा x1 होगा और x एक्सिस से ये डिस्टेंस हमारा y1 होगा इसके फिगर के सेंट्रॉयड का। इसको फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट फिगर का सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयडल डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये है 150 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो जो सेंट्रॉयडल डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है फर्स्ट फिगर के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे x1। तो ये कितना होगा, ये टोटल जो b1 है यानी 150, ये b1 का हाफ होता है, ये हो जाएगा 150 by 2 इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, यानी x1 हमारा आ गया 75 सेंटीमीटर। ये b by 2 होता है रेक्टेंगल केस में। और जो y1 होगा, अब y1 के लिए देखिए सेंट्रॉयडल डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस फर्स्ट फिगर है, इसको बोलेंगे y1। तो x एक्सिस से जब हम डिस्टेंस देखेंगे तो रेक्टेंगल तक पहुंचने के लिए, रेक्टेंगल तक पहुंचने के लिए हमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी ये यहाँ पे देखने वाली बात है। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये जो गैप है, ये गैप कितना है 100 सेंटीमीटर। ये गैप कितना है, यहाँ से चलेंगे और फर्स्ट रेक्टेंगल तक पहले पहुँचेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 100, और फिर ये डिस्टेंस हमें मिलेगा ये होगा h बाई टू। तो टोटल जो हमारा वाई वन होगा, वाई वन हमारा आ जाएगा 100 plus h1 by 2, क्योंकि फर्स्ट फिगर है तो ये h1 हो गया, h1 by 2, तो 100 plus h1 is 10, 10 by 2, तो ये आ गया 105 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट फिगर का कोऑर्डिनेट पता कर लिया जो कि x1 और y1 है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकेंड फिगर के लिए काम करेंगे। तो सेकेंड फिगर हमारा दूसरा रेक्टेंगल जो वर्टिकल है
वाई एक्सिस से फिगर के सेंट्रोइड की डिस्टेंस एक्स टू होगी और एक्स एक्सिस से फिगर के सेंट्रोइड की डिस्टेंस वाई टू होगी। ये डिस्टेंस आपका वाई टू होगा और ये पूरा डिस्टेंस आपका क्या था, ये पूरा डिस्टेंस आपका वाई वन था। वाई वन मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये वाई वन और ये वाई टू। तो पहले फिर से वही काम, सेट हमारा सीरियल नंबर सेकंड है, ये सीरियल नंबर टू। इस बार हमारा रेक्टेंगल वर्टिकल है तो हम एक वर्टिकल रेक्टेंगल बनाएंगे, एक वर्टिकल रेक्टेंगल बनाएंगे और इसका डायमेंशन लिखते हैं। इस रेक्टेंगल का डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर बेस और इसकी हाइट कितनी है 100। तो 10 बाई 100 का ये हमारा रेक्टेंगल है और जो वाई एक्सिस है वाई एक्सिस फिगर से दूर है लेकिन एक्स एक्सिस इस बार फिगर के साथ है। ये वाई एक्सिस और इसका सेंट्रोइड यहाँ पे कहीं है जिसको हम लोगों ने जी टू लिखा था। तो ध्यान से देखिए, ये जो डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस से फिगर के सेंट्रोइड की डिस्टेंस, ये एक्स टू है और ये वाई टू है, यही हमें पता करना पड़ता है। तो जब हम एक्स टू की बात करेंगे तो हमें इस रेक्टेंगल तक पहुंचने के लिए ये इतना गैप चलना पड़ेगा। तो ये गैप कितना होगा ये हमें पता करना है, ये गैप कितना होगा हमें पता करना है। इसको हम पता भी कर सकते हैं, टोटल 75 है, इसका सेंटर 75 यहाँ तक है, इसमें से ये 5 माइनस करेंगे तो ये गैप 70 आएगा। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, फिगर वाई के अबाउट सिमेट्रिक अगर हम बीच में वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो जितना हमारा एक्स वन है उतना ही एक्स टू भी होगा क्योंकि ये दोनों सेंट्रोइड एक ही लाइन पे हैं, दोनों सेंट्रोइड एक ही लाइन पे हैं, इसलिए एक्स वन और एक्स टू इक्वल होगा। तो जितना आपका एक्स वन आया है कितना 75, उतना ही आपका एक्स टू आ जाएगा 75। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हो कैसे आता है तो आप एक बार देख लीजिए, ये टोटल डिस्टेंस आपका 150, तो सेंटर तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा 150 बाई टू करके, तो उतना ही ये भी होगा। नहीं तो ये 70 और ये 10 बाई टू, ये गैप 70 प्लस 10 बाई टू, तब भी आपका आ जाएगा 75। आइए देखते हैं वाई टू कितना होगा। तो वाई टू के लिए हमें क्या देखना है, एक्स एक्सिस से फिगर के सेंट्रोइड की डिस्टेंस। तो इस बार एक्स एक्सिस बिल्कुल फिगर के साथ में है, बेस के साथ में है, तो कोई भी गैप नहीं है एक्स एक्सिस और फिगर के बीच में। तो सीधे सीधे क्या मिल जाएगा हमको, एच टू बाई टू। तो एच टू है 100, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर। ये तो दोनों फिगर के सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू। हमें इनका एरिया भी पता करना पड़ता है। तो एरिया के लिए अगर हम ए वन की बात करें तो फार्मूला हो जाएगा बी वन इंटू एच वन। तो इसका बेस कितना है 150 और हाइट कितनी है 10। तो ए वन हमारा आ जाएगा 1500 और इस तरीके से ए टू की अगर बात करें तो ये होगा बी टू इंटू एच टू और बी टू कितना है, बेस है 10 और हाइट है 100, तो ये आ गया 1000 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया है। तो इस तरीके से इतना काम कर लिया हम लोगों ने, टेबल बना ली। अब क्या करेंगे, इस कंपोजिट फिगर का सेंट्रोइड फाइंड करेंगे। अभी जो सेंट्रोइड हम लोगों ने फाइंड किया ये इंडिविजुअल फिगर के सेंट्रोइड है, जो आपने एक्स वन वाई वन फाइंड किया वो इस रेक्टेंगल का सेंट्रोइड है फ्रॉम दिस रेफरेंस एक्सिस। जो आपने एक्स टू वाई टू फाइंड किया ये सेंट्रोइड है इस सेकेंड रेक्टेंगल का फ्रॉम दिस रेफरेंस एक्सिस, जो कि आपको एक्स वाई एक्सिस दिया हुआ है। लेकिन आपको पूरे फिगर का कंपोजिट फिगर का सेंट्रोइड फाइंड करना है तो अब इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला जो होता है वो होता है आपका एक्स बार इक्वल टू ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू अपॉन ए वन प्लस ए टू। ये आपका आगे भी बढ़ सकता है, a3 x3 भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास दो ही शेप है, दो ही रेक्टेंगल है। तो ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू अपॉन ए वन प्लस ए टू। तो इसमें अब वैल्यू पुट कर देते हैं, देयरफॉर एक्स बार इक्वल टू ए वन आया है 1500, तो 1500 इंटू एक्स वन। एक्स वन कितना है, एक्स वन हमारा आया है 75। ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू, ए टू आया है 1000 और एक्स टू आया है, एक्स टू इज 75, एक्स टू इज 75 क्योंकि एक्स वन और एक्स टू दोनों एक ही लाइन पे लाइन कर रहे थे, सेम आए हैं, अपॉन ए वन प्लस ए टू। तो 1500 इज ए वन प्लस 1000 इज ए टू।
इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें एक्स बार मिल जाएगा। तो इसको हम कैलसी से सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा 1500 × 75 + 1000 × 75 / 2500। तो 75 एक्स बार इज ऑल्सो 75, ये आ गया 75। अब इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं वाई बार के लिए। तो वाई बार के लिए जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा a1 plus a2 upon a1 plus a2। तो इसी फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो हमारा a1 कितना है 1500 और y1 कितना है, y1 इज 105 100 plus h by 2 105 plus a2 y2 a2 is 100 sorry 1000 and y2 y2 is 50। तो a2 y2 upon a1 plus a2, अगेन a1 इज 1500 प्लस a2 इज 1000। तो यहाँ से हमें y बार मिल जाएगा। यहाँ से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर से कैलसी यूज करेंगे। आप लोग भी चाहो तो कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ब्रैकेट लगा के 1500 × 105 + 1000 × 50 / 2500 83 आ गया। तो हमारा जो वाई बार आया ये आ गया 83। तो इस तरह से फिगर का जो सेंट्रॉइड आएगा, फिगर का सेंट्रॉइड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। एक्स बार कॉमा वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार इज 75 / 83। तो 75 / 83 इस फिगर में कहाँ पे आएगा इसको देख लेते हैं। ये ओरिजिन है, यहाँ से एक्स बार चलेंगे यानी एक्स एक्सिस पे 75, तो यहाँ पे आ जाएंगे जितना x1 x2 75 था, एक्स बार भी 75 और y पे चलेंगे 83 आपका 100 के बिलो होगा, इट मे बी समवेयर हियर। तो दिस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज x बार एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज y बार, और ये फिगर का कोऑर्डिनेट। आप चाहो कि ये y बार यहाँ से भी दिखा सकते हैं, मैंने साइड में दिखाया जिससे आपको समझ में आए कि हाइट कितनी है। तो इस तरह से जब कोई कंपोजिट फिगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इंडिविजुअल फिगर का सेंट्रॉइड पता करते हैं। जब हमें इंडिविजुअल फिगर का सेंट्रॉइड पता चल जाएगा x1, y1, x2, y2 के फॉर्म में, x3, y3 के फॉर्म में, जितने भी शेप होंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये फार्मूला यूज कर लेंगे x बार और y बार के लिए और दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इससे हमें पूरे कंपोजिट फिगर का सेंट्रॉइड पता चल जाता है कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पता किया एक्स बार और वाई बार, जो हमें ये पॉइंट इस पॉइंट पे मिल गया है। आप देखोगे इसमें x1, x2 और x बार तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट फिगर का सेंट्रॉइड, सेकंड फिगर का सेंट्रॉइड और इस कंपोजिट फिगर का सेंट्रॉइड तीनों कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पे हैं। तो ऐसे फिगर में अगर कोऑर्डिनेट नहीं दिया होता है, यही पे आपको समझा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इस फिगर में तो रेफरेंस एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस दिया था, अगर रेफरेंस आपको दे दिया तो आपको कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट वहीं से बताना है रेफरेंस से। लेकिन अगर रेफरेंस नहीं दिया होता तो ऐसे फिगर में हम देखते हैं कि अगर तीनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो वाई एक्सिस हम यहाँ पे ले सकते थे, यानी अगर इस पॉइंट से हम वाई एक्सिस ले लेते यहाँ से तो हमारा x1 क्या हो जाता, 0 हो जाता, वाई यहाँ ना लेकर के यहाँ पे आ जाता तो x1 0, x2 0 और x बार भी 0 आ जाता। यानी अगर रेफरेंस चेंज करते हैं तो सेंट्रॉइड हमारा चेंज होता है, पोजीशन नहीं चेंज होती है, बस देखने वाली डिस्टेंस चेंज होती है। तो अगर वाई हम यहाँ बीच से ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, तो हम लिख देंगे सिंस द फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस देयर फॉर एक्स बार इक्वल टू 0। और वाई बार के लिए जैसे कैलकुलेशन किया वैसे करते हैं तो प्रॉब्लम थोड़ी सी आसान हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दिया हुआ था, इसलिए मैं वाई एक्सिस यहाँ पे नहीं ले सकता था। अगर फिगर में नहीं दिया होता रेफरेंस तो मैं वाई एक्सिस यहाँ बीच में ले लेता, और y एक्सिस बीच में लेने के बाद
सीधे सीधे बता देता कि फिगर वाई के अबाउट सिमेट्रिक है, सभी कोऑर्डिनेट्स वाई पे ही लाई कर रहे हैं, तो एक्स बार क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और फिर वाई बार के लिए कैलकुलेशन कर लेता जो यहाँ पे किया गया है। तो इतना ही कैलकुलेशन करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आप लोग प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।